क्लास मेरी, मे बी सम प्रॉब्लम हियर, तो मुझे बता देना ठीक है. ओके चलिए, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. फिर वेरी वेरी फर्स्ट क्लास. आई नो लॉट ऑफ पीपल हियर आर नॉन टेक्निकल, जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि कोई वरी करने की जरूरत नहीं है. वी विल बी स्टार्टिंग योर कोर्स फ्रॉम माइनस वन. ठीक है, सारी चीज कवर करेंगे हम, जो भी स्टोरेज से, सीधा स्टोरेज ही फोकस नहीं होगा, स्टोरेज से मिल जितनी भी चीजें रिलेटेड होंगी हम सब कवर करेंगे. इवन विंडोज आएगा, विंडोज की बात करेंगे. इवन आपका डीएनएस डीएचसीपी कुछ भी आएगा, स्विचेस आएंगे, हब आएगा, कुछ भी आएगा, विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. ठीक है, सो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है. आराम से कोड देखिए कैसे चल रहे हैं इसके साथ में, बट मेक श्योर कि जो भी मैं करवा रहा हूँ आपको वही करना है. बिलीव मी, जितना आपके नोटबुक में है इससे ऊपर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है, दैट इज फॉर श्योर. आप जाके फेसबुक पे देख सकते हो, अभी लास्ट टू वीक के अंदर में वी हैड ऑलमोस्ट 12 टू 13 सिलेक्शंस इन टू वीक्स होंगे. ठीक है, सबने देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख सकते हो. सो बिलीव मी, एवरीथिंग विल बी कमिंग फ्रॉम योर नोटबुक. सिर्फ और सिर्फ आपको नोटबुक पढ़नी है, आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना. ठीक है, एवरीथिंग विल बी कमिंग फ्रॉम योर नोटबुक ओनली. बिल्कुल माइनस वन से स्टार्ट करेंगे. आई एम एज्यूमिंग एवरीवन हियर इज नॉन टेक्निकल. इवन मैं मान के चलूंगा सब लोग 12th पास है. लॉट ऑफ पीपल विल बी बीटेक, यहाँ पे बीटेक भी होंगे, बहुत सारे बंदे हैं इसमें. ठीक है, एमटेक भी है इसके अंदर. सो बिल्कुल एज्यूम करके चलेंगे कि कोई भी टेक्निकल नहीं है. इट विल बी बेसिकली जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. ठीक है, एनी क्वेश्चन गाइस बिफोर वी स्टार्ट टुडे? देन लेट्स स्टार्ट. अब हम क्या करने जा रहे हैं? ठीक है जी, चलिए. सो लेट मी हाइड दिस. जो आप कोर्स करना जा रहे हो, दिस इज कॉल्ड सैन. व्हाट इज सैन? सैन के बारे में पूरी बात करेंगे. इट इज अ स्टोरेज एरिया नेटवर्क एक्चुअली. तो आज हम सिर्फ इंट्रो करेंगे, सैन क्या चीज है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके अंदर लगते हैं, कैसे कैसे वो काम करता है, कैसे कैसे कनेक्टिविटी होती है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सैन. ठीक है, चलिए बिल्कुल बेसिक से करते हैं. तो मैं मान लेता हूं मेरे पास में, आई एम नॉट टॉकिंग एनी टेक्निकल थिंग टुडे, कोई भी टेक्निकल जार्गन यूज नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे. ठीक है, तो बेसिक से बात करें, मेरे पास एक बॉक्स है. ठीक है, मेरे पास एक बॉक्स है. इस बॉक्स के अंदर में आपकी मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स लगी हुई है. ठीक है, इस बॉक्स के अंदर में वी हैव अ मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स. बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है, जैसे आपके घर में आपका लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप है, या आप कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो. आपके लैपटॉप में क्या होता है? हार्ड डिस्क होती है. आपके लैपटॉप पे क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मदरबोर्ड होगा, रैम होगी. बिल्कुल इसी तरह ये आपका डिवाइस है. ठीक है, स्लोली विल मूव ऑन टू द डीप इन टू डीपर. ऑलराइट, सो अब देखिए, मेरे पास एक डिवाइस है, एक बॉक्स है. इस बॉक्स के अंदर में मेरे पास मल्टीपल हार्ड ड्राइव लगी है. ये हार्ड ड्राइव नंबर जो है हार्ड ड्राइव के, वो डिफरेंट डिफरेंट वेरी कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड ड्राइव आपकी दो आती है, छोटी भी आती है और बड़ी भी आती है. कोई टेक्निकल थिंग नहीं, कुछ नहीं बात कर रहा. तो नॉर्मली देखोगे इस बॉक्स के अंदर में आपकी, जनरली आप किसी भी बॉक्स में देखोगे तो 15 मिलेंगी कि आपको 25. दो साइज आते हैं हार्ड डिस्क के, मैं आपको दोनों हार्ड डिस्क दिखा देता हूं. आप देखिए इसमें तो दो, एक छोटी होती है 2.3 और 2.5 और 3.5. तो देखते हैं, देखिए CX300 देखिए. तो अभी जिस बॉक्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं गाइस, ये वाला बॉक्स है. यही मैं एक्चुअली में आपको सब कुछ स्लोली करके बताऊंगा आपको. तो आप देखोगे इस बॉक्स के अंदर में ये 15 ड्राइव्स लगी हुई हैं. ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरीके से 5-5 सेट की 3 ड्राइव्स लगी हुई है इसके अंदर. 3 सेट है आपके, 15, या तो 15 होगी या फिर आपके पास में 25 होंगी. मैं आपको और भी दिखा देता हूं. देखिए, ये देखिए बॉक्स, छोटी ड्राइव्स होंगी आपकी, 25 भी होंगी. रुकिए मैं आपको दिखाता हूं. ये देखिए, राइट.
ये थोड़ी छोटी ड्राइव होती है, साइज क्या है वी विल टॉक इन डिटेल, कल की क्लास में सारी डिटेल डिस्क के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए सिंपल मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस बॉक्स, इसी बॉक्स के बारे में अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो अभी के लिए बात करते हैं, मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर में मेरे पास हार्ड ड्राइव्स लगी हुई है। हार्ड ड्राइव या तो 15 होंगी 2.5 की या 3.5 की, दो आती है इंचेस की, तो दो होंगी आपकी, कोई भी लगी होगी। अभी हम किसी मॉडल के बारे में बात नहीं कर रहे हो, किसी के बारे में, ठीक है। अब इसमें आप अगर कंप्यूटर है आपका तो इसमें प्रोसेसर भी होगा, जैसे आपके घर में सीपीयू है आपके। बट एक एक फंडामेंटल होता है, अगर आपने डेटा सेंटर में किसी ने काम किया है तो डेटा सेंटर के अंदर गाइस एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं डिवाइस के साथ में, सबकी क्वांटिटी आपकी डबल होगी। फॉर एग्जांपल आप लोग मोबाइल पर काम करते हो, आपके मोबाइल में बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है और आपका बिजनेस ही मोबाइल से चलता है, तो आप क्या करोगे? अगर अगर मोबाइल आपका डाउन हो जाए 5 मिनट के, तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान को बचने के लिए आप क्या करोगे? एक और मोबाइल लोगे, दोनों को बिल्कुल क्लोन करके रखोगे, कॉपी करके रखोगे, ताकि अगर आपका एक मोबाइल डाउन हो जाए तो दूसरे वाले मोबाइल से आप क्विकली चेक कर सकते हो उसको, ठीक है। तो इसी तरीके से डेटा सेंटर के अंदर में, चलिए पहले आपको वो बता दूं, आई विल बैक टू दिस स्लाइड लेटर, ठीक है। पहले मैं आपको एक हाई अवेलेबिलिटी के बारे में बता दूं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। तो डेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं एच ए, बड़ी बार सुनने को मिलेगा आपको एच ए। एच ए का मतलब होता है आपका हाई अवेलेबिलिटी। गाइस राइटिंग देख लेना अपने आप, क्योंकि यहाँ पे मेरे से पेन से इतना डिटेल से लिखा नहीं, इतनी बारीक से लिखा नहीं जाएगा, ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। कई बार इसको हम रिडंडेंसी भी बोलते हैं। क्या चीज है ये, चलिए आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आपके पास में एक सर्वर है, ठीक है। इस सर्वर के ऊपर में आपकी एक बड़ी ही क्रिटिकल एप्लीकेशन डली हुई है, जिस एप्लीकेशन का नाम है ए बी सी। जितने भी यूजर, फॉर एग्जांपल ये बैंक ही ले लीजिए, आईसीआईसी बैंक हो सकता है, ये कोई भी साइट हो सकती है, इस सर्वर के ऊपर में सारे यूजर आपकी रिक्वेस्ट आ रहे हैं, सारे हिट कर रहे हैं इसके ऊपर में, किसी वजह से ये सर्वर मेरा डाउन हो जाए। अगर डाउन हो जाएगा तो गाइस ये एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी, क्योंकि एक ही है, एक ही सर्वर है। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है, डेटा सेंटर के करूं या कोई भी आपकी क्रिटिकल एप्लीकेशंस होंगी, ये वाला सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, अभी तो यहां पर मेरे पास एक सिंगल सर्वर था। अब जब भी डेटा सेंटर के अंदर में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं क्लस्टर। क्या काम करता है ये क्लस्टर, देखिए क्लस्टर में, क्लस्टर का काम क्या होता है आपका, अभी तो हमने एक सर्वर ले रखा था, अब नाउ वी विल बी टेकिंग मोर देन वन सर्वर इन ऑर्डर टू इनेबल योर हाई अवेलेबिलिटी। कैसे, मैं दो सर्वर ले सकता हूं, 4 सर्वर ले सकता हूं, 6 ले सकता हूं और 16, 32 ऐसे ले सकता हूं। तो एक ही जगह मैं कितने सर्वर लूंगा, या तो 2 लूंगा 4 लूंगा, जस्ट टू इंप्लीमेंट योर हाई अवेलेबिलिटी। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। सो आपके पास में 2 सर्वर हैं, लेट्स से आपके पास 2 सर्वर हैं, सर्वर 1 और दूसरा वाला आपके पास में एक है सर्वर 2। 2 फिजिकल बॉक्स लिए, यहां पे एक फिजिकल था सर्वर मेरे पास में, तो यहां पे 2 लिए मैंने, इसका नाम लेते हैं लेट्स से सर्वर 1 और इसका नाम है सर्वर 2। अब इन दोनों को अगर आपको मिलके चलाना है, दोनों को हाई अवेलेबिलिटी में लगाना है, दोनों को काम ऐसे करना है कि मिलके चलें, तो किसी तरीके से दोनों को कंबाइन भी करना पड़ेगा। तो कंबाइन करने के लिए इन दोनों सर्वर के ऊपर हम एक सर्विस डालते हैं जिसे बोलते हैं क्लस्टर सर्विस। ये जो मैं क्लस्टर बता रहा हूं, ठीक है, क्लस्टर सर्विस। ये क्लस्टर आपका विंडोज का भी आता है, कई जैसे मैंने आपको पहले बताया हम सब काम करेंगे, वी विल नॉट बी फोकसिंग इनटू स्टोरेज, हम विंडोज जो भी आएगा, विंडोज कंपोनेंट्स होंगे या कुछ भी होगा, सब बात करेंगे, ठीक है। ये क्लस्टर आपका विंडोज का भी आता है, ये क्लस्टर आपका यूनिक्स का भी आता है, और ये क्लस्टर आपका वेरिटास का भी आता है।
ठीक है जी, एक क्लस्टर होता है। तो क्लस्टर जब हमने बना दिया, ये क्लस्टर क्या करेगा, इन दोनों सर्वर को आपस में बांध के रखेगा, मिला के रखेगा, ताकि दोनों एक साथ एज ए ग्रुप काम करें। हाई अवेलेबिलिटी तो हाँ जी, सो सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपने क्या लिखा है ये? और ऋषि डोंट वरी, मैं सब लिखवा दूंगा, सर्वर वन, सर्वर टू, विंडोज, यूनिक्स और वेरिटास, इसको भूल जाओ। और ऋषि मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको, स्नैपशॉट इसका भी हम लेंगे, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन इट टू, सिर्फ अभी फोकस करो समझने के ऊपर में, इट इज फॉर एवरीवन, सिर्फ फोकस करो समझने के लिए ऊपर, लिखने के लिए हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है, वी कैन हैव एक्स्ट्रा क्लास टू गिव यू ऑल द डेफिनेशंस आल्सो, ठीक है? मैं अभी जो समझा रहा हूँ सिर्फ उस पर समझो, क्या हो गया आपके पास में, सर्वर वन सर्वर टू दो सर्वर हैं, दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट हाई अवेलेबिलिटी, तो मैंने इसके ऊपर में क्लस्टर सर्विस डाल दी, तो ये वाली सर्विस डाल दी। अब ये जो दोनों सर्वर जब क्लस्टर में होंगे तो ये आपस में बात भी करेंगे, तो बात करने के लिए मेरे पास यहाँ पर आपस में एक कनेक्शन होता है दोनों सर्वर के अंदर में, फिजिकल कनेक्शन होता है, और ये सर्वर वन सर्वर टू को एक पल्स भेजता रहता है कि ओके आई एम अलाइव, अभी बताऊंगा वो क्या चीज है। तो ये जो कनेक्शन है, यहाँ से सर्वर वन सर्वर टू एक दूसरे को कनेक्शन भेजते हैं, लिंक भेजते हैं, पल्स भेजते हैं, जिसे बोलते हैं हार्ट बीट। ये हार्ट बीट कब काम आती है मैं अभी आपको बताऊं, ठीक है? अब मैंने क्या किया जी, सर्वर वन सर्वर टू के ऊपर मैं क्लस्टर सर्विस डाल दी, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब ये दोनों के दोनों सर्वर एक मिल के काम करेंगे एक तरीके से। अब मैं जो एप्लीकेशन डालूंगा वो मैं एक सर्वर के ऊपर किसी के ऊपर नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा इस क्लस्टर के ऊपर एप्लीकेशन डालूंगा, मतलब ए बी सी जो एप्लीकेशन होगी वो काम करेगी क्लस्टर के ऊपर में। और ये जो क्लस्टर है, ये क्लस्टर है आपके दो सर्वर का कॉम्बिनेशन, या दो का या चार का या पांच का। अब ये जो दोनों सर्वर हैं, इनका काम करने का तरीका एक दो तरीके से होता है कभी भी किसी क्लस्टर में। गाइस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी स्टोरेज में मैं आपको दो प्रोसेसर लिख के दिखाऊंगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया, देखिए स्टोरेज के अंदर में भी ऐसे दो प्रोसेसर होते हैं, और वो प्रोसेसर हमेशा आपको एक्टिव जो मैं बताने जा रहा हूँ वैसे काम करेंगे, ठीक है? तो दिखाता हूँ आपको, देखिए जो बॉक्स मैंने आपको दिखाया था, तो ये देखिए ये प्रोसेसर है, इसमें भी ये दो पावर सप्लाई है, पर जब ये दो प्रोसेसर है तो किसी तरीके से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने दो दोस्त, आपने एक साथ दोस्त मिल गए, एक नॉर्थ में जा रहा है एक साउथ में जा रहा है, ऐसा काम नहीं होगा। अगर आपने ग्रुप बनाया है तो ग्रुप में तो दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा, राइट? तो ये जो सर्वर की जो मैंने क्लस्टर बनाया है, ये दो तरीके का होता है, एक होता है आपका एक्टिव, या पहले बोल लीजिए एक होता है एक्टिव पैसिव, केस नंबर वन, दूसरा होता है आपका एक्टिव, ठीक है जी? तो पहले हम एक्टिव पैसिव वाला देख लेते हैं, एक्टिव पैसिव कैसे काम करता है पहले हम देख लेते हैं, ठीक है? तो पहले जो जितने भी आपके क्लस्टर आते थे गाइस, वो सारे के सारे होते थे आपके एक्टिव पैसिव। मतलब क्या हो गया, एक सर्वर तो आपका, मतलब इससे क्या होगा, एक सर्वर तो रहेगा आपका ऑलवेज एक्टिव, एक रहेगा पैसिव। अब एक्टिव वाला हमेशा काम करेगा, पैसिव का मतलब ये नहीं कि सर्वर डाउन पड़ा है, पैसिव का मतलब है दिस सर्वर विल बी इनटू स्टैंडबाय मोड। स्टैंडबाय मोड का मतलब समझ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, किसी वजह से आई एम नॉट वेल, तो मेरी जगह कोई मेरा पार्टनर पढ़ाएगा आपको, तो जब तक मैं पढ़ा रहा हूं जब तक वो स्टैंडबाय पे रहेगा, जैसे मैं मेरे को साथ प्रॉब्लम आएगी तो वो एक्टिव हो जाएगा आपका, राइट? तो एक्टिव हमेशा एक्टिव रहेगा, पैसिव वाला हमेशा स्टैंडबाय मोड पे रहता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि दो बंदे का टीम बनाओगे तो दोनों को कुछ तरीके से काम करना पड़ेगा, दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा, अगर मिलके काम नहीं करेंगे तो काम होगा नहीं। तो इसी तरीके से ये जो क्लस्टर बना, इसके अंदर में एक पार्टिसिपेंट विल बी एक्टिव ऑलवेज, अदर पार्टिसिपेंट विल बी पैसिव, पैसिव मीन्स स्टैंड बाई मोड। अब क्या होगा, देखिए जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी इस क्लस्टर के ऊपर में, जैसे यूजर की यहाँ रिक्वेस्ट आ रही थी, वो सारी की सारी रिक्वेस्ट आकर क्लस्टर किसको फॉरवर्ड करेगा, एक्टिव वाले को, क्योंकि अभी वो ड्यूटी दे रहा है, राइट? सारी रिक्वेस्ट आएंगी आपकी सर्वर वन के ऊपर में, बिकॉज इट इज एक्टिव। अब किसी वजह से गाइस ये डाउन हो जाए, हमें तो हाई अवेलेबिलिटी की बात करी, किसी वजह से डाउन हो जाए, तो देखिए यहाँ पे हार्ट बीट कैसे काम करती है।
एवरी सेकेंड इसके पास में पल्स जा रही है, अगर ये डाउन हो जाएगा तो हार्ट बीट इसके पास नहीं जाएगी, ये एज्यूम कर लेगा कि इसका पार्टनर गॉन। तो इमीडिएटली दिस सर्वर विल बिकम अ एक्टिव। तो क्या होगा, जितनी भी रिक्वेस्ट आपके सर्वर वन पे जा रही थी सारी रिडायरेक्ट होके सर्वर टू पे आनी शुरू हो जाएंगी। हो गया ना हाई अवेलेबिलिटी का, ठीक है। मतलब किसी टाइम पे भी मेरा एक सर्वर अगर खराब हो जाए, डूब जाए, खराब बंद हो जाए, तो इमीडिएटली दूसरा सर्वर अप हो जाएगा उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हाई अवेलेबिलिटी, अगर मैं इसकी बात करूं, एक्टिव पैसिव वाले की बात करूं, तो इसमें एच ए तो है, बिल्कुल है, मगर यहाँ पे कहीं पे लोड शेयरिंग नहीं हो रही है। देखिए लोड शेयरिंग का मतलब क्या हो गया, सारी रिक्वेस्ट एट अ टाइम पे एक ही सर्वर के पास में जा रही है, या तो सर्वर वन पे जाएंगी, सर्वर वन डाउन हो जाएगा तो सर्वर टू पे जाएंगी, लोड शेयरिंग नहीं हो रहा। अनदर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, माय पार्टनर इज इनटू स्टैंडबाई मोड, मेरा अगर मैं आई एम नॉट वेल तो वो क्लास ले लेगा। एच ए तो हो गया, हाई अवेलेबिलिटी तो हो गई, मगर वहां पर लोड शेयरिंग नहीं हुई ना। लोड शेयरिंग तब होती, आधे स्टूडेंट वो पढ़ाता, आधे स्टूडेंट मैं पढ़ाता, तब लोड शेयरिंग होती। तो एक्टिव पैसिव के अंदर में कभी भी आपकी लोड शेयरिंग नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हाई अवेलेबिलिटी होगी क्योंकि एक सर्वर डाउन हो जाएगा दूसरे वाला अप हो जाएगा, राइट। और अगर ये वापस से अप हो जाएगा तो सारे रिक्वेस्ट फिर से एक्टिव वाले पे जाने शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके का अरेंजमेंट होता है आपके डेटा सेंटर के अंदर, हर चीज के अंदर, चाहे वो आपके विंडोज के सर्वर है, चाहे वो आपका स्टोरेज है, अभी आएंगे स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। दूसरा अरेंजमेंट होता है गाइस जिसे हम बोलते हैं एक्टिव एक्टिव, वो कैसे होगा देखिए। अभी हमने क्या किया था, दो सर्वर लिए थे, एक सर्वर लिया मैंने, वैसे ही लेता हूँ वही सिनेरियो, ये मेरा दूसरा सर्वर आ गया, सर्वर वन और सर्वर टू, राइट। और दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होगी, वो तो पहले भी बताया था मैंने आपको, हार्ट बीट के लिए होगी। इसके ऊपर मैंने डाल दिया क्लस्टर सर्विस दैट विल बी मैनेजिंग बोथ द सर्वर्स, राइट। तो मैंने कुछ क्लस्टर डाल दी और इस पे एक एप्लीकेशन डाल दी। गाइस अगर ये आपका एक्टिव एक्टिव है, एक्टिव और ये भी होगा आपका एक्टिव, अगर ये एक्टिव एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, जितनी रिक्वेस्ट आएंगी वो इक्वली डिवाइड होंगी दोनों के अंदर में, क्योंकि बोथ आर वर्किंग एट अ टाइम। ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, दोनों काम कर रहे हैं, किसी वजह से ये डाउन हो जाएगा, इसको हार्ट बीट से पता चल जाएगा, तो ये वाली रिक्वेस्ट भी इसके पास में आ जाएंगी। तो मतलब क्या हुआ, आपके पास में एच ए तो है, हाई अवेलेबिलिटी अवेलेबल, एंड लोड बैलेंसिंग और लोड शेयरिंग इज ऑल्सो देयर, लोड शेयरिंग, ठीक है जी। तो ये होता है आपका एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव का कॉन्सेप्ट गाइस। ये अभी हम स्टोरेज में जाके मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, तो इसका मैं आपको स्नैपशॉट लेके भेज रहा हूँ, अगली बार से ड्यूटी लगाएंगे किसी बंदे की, या तो आप खुद अपने पीसी पे स्नैपशॉट ले सकते हो, या हम इसको ग्रुप पे पोस्ट करते रहेंगे, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको सबको पोस्ट कर दिया, कल से ड्यूटी लगाएंगे किसी की, अमित के लगाएंगे किसी और, ठीक है। तो ये है आपका एक्टिव। एनी क्वेश्चन गाइस ऑन दिस, बड़ी सिंपल, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया इमीडिएटली पूछ लेना यार, माय इंटेंट इज टू लर्न नॉट टू फिनिश द कोर्स, ठीक है। जो चीज चाहिए वो तो सर से इतना लेकिन और वीकनेस हो गई सेवोकल से, समबडी सेइंग समथिंग ऑपरेशन करने से पहले यार, हुस ओवर नॉट टॉकिंग प्लीज गो ऑन म्यूट, वी आर गेटिंग कंफ्यूज। आप बताओ किसको क्वेश्चन पूछना है, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, हाँ जी, हाँ सर, ये मुझे लोड शेयरिंग जो फर्स्ट आपने बताया तो एक्टिव एक्टिव के केस में तो दोनों चीज होगा, हाई अवेलेबिलिटी और लोड बैलेंसिंग, राइट सर। और एक्टिव पैसिव के केस में मतलब हाई अवेलेबिलिटी रहेगी पर लोड बैलेंसिंग नहीं रहेगा, बिल्कुल सही। पर सर जो अगर मान लीजिए एक सर्वर मेरा बंद हो जाता है तो उसका जो लोड होगा तो दूसरे सर्वर तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा ना सर? नहीं नहीं, वो तो हाई अवेलेबिलिटी हुई, लोड शेयरिंग कैसे हुई? लोड शेयरिंग का मतलब तब होता है कि दोनों बंदे आप पे हैं और दोनों में लोड शेयर हो रहा है आपका, जो डाउन हो गया एक तो फिर तो खत्म ही हो गया, लोड शेयरिंग का तो फिर फंडा ही खत्म हो गया वहां पे,
लोड शेयरिंग तो तब होगी ना जब दो अलाइव हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल मैंने क्लास का बताया था, लोड शेयरिंग तो तब करूंगा ना जब हम दोनों हम काम कर रहे हैं, दोनों एक्टिव हैं। अगर एक स्टैंड बाई मोड पे है और मैं काम कर रहा हूं और मैं बीमार हो गया तो दूसरा बंदा उसको टेक ओवर करेगा, लोड शेयरिंग तो नहीं हुई वहां पे। जो लोड शेयरिंग नहीं है, जो आप बात कर रहे हो वो रे फेल ओवर हो रहा है, एक से दूसरे पर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फेल ओवर। ओके ठीक है, हमें लोड शेयरिंग। हाँ सर, एक लोड शेयरिंग मुझे और भी पूछना था सर, ये जो मतलब आप बोल रहे हैं कि लोड शेयरिंग नहीं हो रहा है, तो डेटा क्या मतलब लोड शेयरिंग जब होता है डेटा डिवाइडेड होता है दोनों में सर? जैसे डेटा नहीं होता, जो रिक्वेस्ट आती है आपकी दैट रिक्वेस्ट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ICICI बैंक है, उसको तुम लोग सबने आपने अपना 10 बंदे हैं, 10 ने अकाउंट वहां से सीधा ऑनलाइन किया, और अगर तो वहां पे दो एक्टिव लगे तो 5 रिक्वेस्ट एक सर्वर पे चली जाएंगी, 5 रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर पे चली जाएंगी, दोनों में लोड शेयरिंग हो जाएगी। ओके 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 ठीक है, क्लियर सर, क्लियर। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन गाइस फ्रॉम एनीवन? ऑलराइट, जस्ट इंटरप्ट मी व्हेनेवर यू हैव एनी चैलेंजेस। अगेन बोल रहा हूँ कि हमें कोर्स खत्म नहीं करना यार, हमें सीखना है। ठीक है, यू कैन वी कैन रिपीट मल्टीपल टाइम्स। ऐसे कल जब आएंगे तो हम पहले 15 मिनट पिछली सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, कोई भी आप क्वेश्चन क्वेरी होगी विल बी कवर इट। ठीक है, बट मेक श्योर जब भी आप काम जो जिसने भी क्लास कंटिन्यू रखनी है एक नोटबुक जरूर बना लेना और नोटबुक में अच्छे से काम करना शुरू कर दीजिए उसको। ठीक है, चलिए आई एम गोइंग बैक टू दी मेन स्लाइड जहां से हमने स्टार्ट किया। चलिए अब मैंने, क्योंकि इतना हमने जो सब कुछ बताया उसका मतलब क्या था, क्यों बताया, रीजन ये बताया कि ये जो बॉक्स है मेरा, अभी हमने बात की स्टोरेज, ये स्टोरेज बॉक्स है। अब ये बॉक्स को जब मैं डेटा सेंटर में लगाऊंगा तो यहाँ पे भी तो हाई अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर एक ही प्रोसेसर लगा हुआ तो ये तो अगर वो फेल हो गया तो बंद हो जाएगा बॉक्स, वो तो हम कर ही नहीं सकते। तो इसी तरीके से इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट हाई अवेलेबिलिटी, इस बॉक्स के अंदर भी आपके 2 प्रोसेसर लगे होंगे। ठीक है, ये 2 प्रोसेसर, एक को हम प्रोसेसर बोलते हैं स्टोरेज प्रोसेसर, गाइस डेफिनेशन लिखवा दूंगा बस देख लीजिए, एक को बोलते हैं स्टोरेज प्रोसेसर ए, एक को बोलते हैं स्टोरेज प्रोसेसर बी, क्योंकि ये बॉक्स स्टोरेज है तो इसके प्रोसेसर का नाम है। इसी तरीके से आपके पास में जो तो पावर सप्लाई लगी होंगी इस बॉक्स के अंदर में, वो भी आपकी डुअल होंगी, Power supply 1, power supply 2। ठीक है, एक चीज आपको और इंपॉर्टेंट बता दूं, देखिए आपके पास में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अनदर एग्जांपल, यू आर ड्राइविंग योर मारुति कार फॉर 10 इयर्स, सडनली आई गिव यू होंडा सिटी, तो हाउ मच टाइम विल यू टेक टू नो ड्राइव दिस कार? मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन ले लोगे 2 दिन ले लोगे। इसी तरीके से अगर आपको स्टोरेज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, फंडामेंटल क्लियर हैं, तो आप किसी भी स्टोरेज पे काम कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग चैलेंज। ठीक है, मैं भी आपको कंपेयर भी करके दिखाऊंगा किसी भी स्टोरेज के अंदर में, और जब मोस्टली डिफरेंस होगा सिर्फ नोमेनक्लेचर का डिफरेंस होगा, नाम का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल EMC में इन प्रोसेसर को हम स्टोरेज प्रोसेसर बोलते हैं और कई बॉक्सेस में कंट्रोलर बोलते हैं, बात तो वही की वही है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखिए फॉर एग्जाम्पल EMC है, EMC से बोलते हैं SPA, स्टोरेज प्रोसेसर ए, स्टोरेज प्रोसेसर बी, यही अगर बॉक्स है, कई बॉक्सेस में हम इसको बोलते हैं Controller 1 and Controller 2, कॉन्सेप्ट वही है, कंट्रोलर बोलो स्टोरेज प्रोसेसर बोलो, सिर्फ नोमेनक्लेचर का डिफरेंस होगा और कोई डिफरेंस नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जो हार्ड ड्राइव है आपकी, लेट से सारी मेरी लगी है 1 TB, ये जो आपका बॉक्स है ये यही बॉक्स है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, देखिए ये बॉक्स है, एक साइड से ये बैक एंड होती है इसकी, मतलब फ्रंट एंड बोलते हैं एक्चुअली में इसको, मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो दिस इज द बॉक्स वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इसी बॉक्स के बारे में पूरा डिटेल से हम बात करेंगे, ये देखिए मैं इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ।
नाम क्या है, डी ए डी ए, सब बात करेंगे बाद में, अभी नहीं है, ठीक है। सो देखिए, जो अभी मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं गाइस, वो यही है। देखिए क्या है आपके, देखिए दो प्रोसेसर लगे हुए हैं, ये इसे प्रोसेसर, ये देखिए पूरा बॉक्स है स्टोरेज का, इसी को पढ़ना है हमने पूरी डिटेल के साथ में। यही बॉक्स आपका, चाहे वो क्लैरियन हो, चाहे वो यूनिटी हो, चाहे वो आपका बीएनएक्स हो, हमने पढ़ना यही बॉक्स है। तो इस बॉक्स की एक तरफ शक्ल इसकी ऐसी होती है, हम कोई भी टेक्निकल बात नहीं करेंगे आज, और दूसरी तरफ से इसकी ऐसी होती है, मतलब एक तरफ आपकी डिस्क लगी होंगी और दूसरी तरफ आपकी ये प्रोसेसर लगा होगा, ठीक है। एक तरफ आपकी डिस्क लगी होंगी, एक्चुअली में इसे हम बैकएंड बोलते हैं, आगे जाके देखेंगे। एक तरफ डिस्क लगी होंगी, जो मैंने अभी आपको डिस्क दिखाई है, देख लीजिए इसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये डिस्क लगी हुई है, एक की तरफ दिखा रहा हूं आपको, ये डिस्क है। और अगर मैं इस बॉक्स के दूसरी तरफ चला जाऊं तो वहां पे दो प्रोसेसर लगे हुए हैं, ये देखिए ये प्रोसेसर होते हैं आपके, प्रोसेसर ए और प्रोसेसर बी, ये बीच में साइन बना होता है, ये देखिए राइट साइड वाला ए हो गया, इधर वाला बी हो गया, और ऊपर में ये आपकी पावर सप्लाई ए और पावर सप्लाई बी, वही जो मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूं, ठीक है। स्टोरेज के अंदर में, इस बॉक्स के अंदर में सारी चीजें आपकी हॉट प्लगेबल होती है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, देखिए यहाँ पे सिंपल लॉक लगा होता है, इस लॉक को घुमाइए और ये लीवर्स होते हैं, लीवर से आप पावर सप्लाई भी बाहर निकाल सकते हो और आपके प्रोसेसर भी निकाल सकते हो, सारी चीजों को आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसी के बारे में मैं सारी आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आज हमने इसी का इंट्रो लेना है कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये बॉक्स के बारे में बात की है, तो वापस चलते हैं उसी के ऊपर में। सो दिस इज योर बॉक्स, राइट, हमने देखा डिस्क लगी हुई है, प्रोसेसर लगा हुआ है और उसमें पावर सप्लाई लगी हुई है। ये वाला बॉक्स बड़ी सारी कंपनीज का, बड़े सारे मैन्युफैक्चरर इसको बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपका ये एचपी का भी बॉक्स आता है, उसके बाद हिटाची का भी बॉक्स आता है आपका, फिर आईबीएम का भी आता है और ईएमसी का भी आता है। एज फार एज क्वालिटी इज कंसर्न और एंटरप्राइज लेवल पे बात करूं, तो मेरे पास जो सबसे नंबर वन पे चलता है, दैट इज ईएमसी। इट इज अ कॉस्टली प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल दी अदर वेंडर्स। तो ये सारे वेंडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि ये सारा बॉक्स को बनाते हैं, ठीक है। यही मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर इफ यू ड्राइविंग योर मारुति कार फॉर 10 इयर्स, इट विल टेक हार्डली 30 मिनट्स और एक घंटा आपको दूसरे पे काम करने, क्योंकि सारी चीजें सेम है, ठीक है। आपने एक मोबाइल यूज किया, सैमसंग आपने लिया, S20 लिया, उसके बाद आपने S22 ले लिया, डज इट मैटर, सेम चीजें हैं। या फिर मैं उठा के आपको कुछ और फोन पे डाल दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको कंसोल समझने में थोड़ी देर लगेगी और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो इस बॉक्स को बोलते हैं हम स्टोरेज बॉक्स, इसको बोलते हैं स्टोरेज बॉक्स, ठीक है। ये वेंडर से आपके सारे स्टोरेज बॉक्स को बनाते हैं। एनी क्वेश्चन गाइस सो फार? अभी तक सिंपल ये बताया मैंने, एक बॉक्स होता है मेरे पास, लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एक बॉक्स होता है, उसमें हार्ड ड्राइव लगी हुई है, 15 होंगी या 25 होंगी, छोटी वाली होंगी 25 होंगी, बड़ी वाली होंगी 15 होंगी। इस बॉक्स के अंदर में हाई अवेलेबिलिटी लगाने के लिए सारी चीजें आपकी डुअल होंगी, राइट, दो प्रोसेसर होंगे, दो पावर सप्लाई हो जाएंगी, किसी वजह से मेरी एक चीज कोई डाउन हो जाए, द रिक्वेस्ट विल बी टेकन केयर बाय द अदर स्टोरेज प्रोसेसर। एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, चलिए अब आपको एक चीज और दिखाता हूं। अब आपके एनवायरनमेंट में काफी सारे सर्वर्स लगे हैं, ठीक है। तो ये आपका लेट से एक सर्वर है, सर्वर मतलब जिसको, जो आईटी के बंदे नहीं है उनके लिए बड़ी सिंपल सी बात, जैसा आपका लैपटॉप होता है ना, जैसे आपका डेस्कटॉप होता है, सर्वर भी बिल्कुल वैसे ही होता है, बट उसकी जो कॉन्फिगरेशन होती है दैट इज वेरी वेरी हाई, जस्ट टू यू नो प्रोवाइड दिस सर्विसेज। आगे जाके बात करेंगे, जैसे विंडो सर्वर होता है आपका, यूनिक सर्वर होता है, कहीं पे एडी है, कहीं पे फाइल एंड प्रिंट सर्वर है, तो कुछ नहीं है, चीजें वही हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे ही होता है उसके ऊपर में, बस वो डिजाइन इस तरीके से कर रखा है, बिकॉज वी हैव टू इम्प्लीमेंट दोस सर्वर्स इनटू डेटा सेंटर वेयर इन थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स विल बी एक्सेसिंग योर दिस वन।
ठीक है, एनी क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं इसके। सर्वर आपका, लेट से दिस इज विंडो सर्वर, ओके। ऐसे ही आपके एनवायरमेंट में और बड़े सर्वर्स होंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, बस एक विंडोज ले लेता हूं, एक मैं यूनिक्स का ले लेता हूं, यूनिक्स का ले लिया सर्वर, और एक मैं ले लेता हूं, लेट से मैं डेटाबेस का ले लेता हूं। ठीक है, अब ये जो सर्वर्स हैं सारे के सारे, इन सर्वर्स को कनेक्ट करने के लिए गाइस एक चीज और चाहिए होती है। चलिए पहले आपको मैं वो भी बता दूं, इस पे फिर से वापस आएंगे, आई एम गोइंग टू द अनदर टॉपिक, क्योंकि इनको कनेक्ट करने के लिए आप में से बड़े बंदे ऐसे होंगे जिन्हें स्विच का पता नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं और आपको बताता हूं। देखिए, इसीलिए बोल रहा हूं कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, जो भी चीजें समझ में नहीं आएंगी वो सब पढ़ेंगे हम। इट इज नॉट ओनली फोकस टू द स्टोरेज, इट विल बी कवरिंग एवरीथिंग। ओके, सो देखिए, ये आपका सपोज लैपटॉप है, ठीक है। आपके लैपटॉप में एक लैन कार्ड होता है, सबको पता है लैन की केबल, सबको पता होती है। किसी कोई है ऐसा जिसको लैन केबल का नहीं पता? नहीं पता तो देख लीजिए, सब सर्वर्स के ऊपर में आपका एक कार्ड लगा होता है जिसे लैन कार्ड बोलते हैं, लैन कार्ड। लैन कार्ड को हम एनआईसी कार्ड भी बोलते हैं। देखिए, ये लैन कार्ड आपका, ये सब में इनबिल्ट भी होता है, मतलब ऊपर से भी लगा सकते हैं। तो यहां पर आपकी केबल लगती है, कौन सी? इथरनेट केबल, इथरनेट केबल, ठीक है जी, ऐसी होती है इथरनेट केबल। आपने सब में होपफुली आपके एनवायरनमेंट में, आपने लैपटॉप डेस्कटॉप ऑफिस में लगाई होगी, ठीक है। तो ये आपका लैन कार्ड जो आपके मदरबोर्ड पे या पीसी लैपटॉप पे लगा होगा, इस केबल के थ्रू आप इसको कनेक्ट करते हो, कहां से? आपने ऑफिस के अंदर में, ऑफिस में। चलिए, आपके पास में अगर दो सर्वर हैं या दो लैपटॉप हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक लैपटॉप ये लिया, इसका भी एक लैन कार्ड होगा, इसका भी लैन कार्ड होगा, तो आपने इसको सीधा कनेक्ट कर दिया। चलो ये तो मान लिया मैंने, दो थे तो ये नंबर वन था, ये नंबर टू था, कनेक्ट हो गए। बट व्हाट अबाउट इफ यू हैव अ 10 20 30 सर्वर्स और 30 लैपटॉप्स, कैसे कनेक्ट करोगे इनको? ये आपका एक लैपटॉप वन है, ये आपका लैपटॉप टू है, ये आपका लैपटॉप थ्री है, ये आपका लैपटॉप फोर है, कैसे कनेक्ट करोगे? गाइस, इनको सबको कनेक्ट करने के लिए बीच में एक डिवाइस लगता है जिसे बोलते हैं स्विच। अभी आगे जाके डिटेल में आएगा हब और स्विच में डिफरेंस क्या होता है, पर अभी के लिए आपको दिखा रहा हूं इथरनेट स्विच। तो ये देखिए, ये देखिए, ऐसा स्विच लगा होता है। तो इस स्विच में क्या होगा, एक ये देखिए, एक केबल आपकी इथरनेट से आपके लैपटॉप से लगेगी, ऐसे जितने लैपटॉप होंगे सबसे लगेगी और केबल आके लग जाएगी स्विच के अंदर में। ये देखिए इथरनेट स्विच में, ये 8 पोर्ट का 4 पोर्ट का 8 पोर्ट का 16 पोर्ट का इस तरीके से स्विच आते हैं आपके, जो एनवायरनमेंट में चाहिए होगा उस हिसाब से आप स्विच को ले सकते हो। 16 पोर्ट चाहिए तो ये जो पोर्ट जो है आपका केबल, यहाँ पे लगेगी आपकी केबल सर्वर के ऊपर में या आपके लैपटॉप डेस्कटॉप पे। कौन सी केबल लगेगी? ये वाली केबल लगेगी। और कहाँ जाएगी? इथरनेट स्विच के ऊपर में। तो ये स्विच होता है जो आपके सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, ठीक है जी। तो मैं क्या बताऊंगा इसको, बीच में क्या डिवाइस लगेगा? बीच में डिवाइस लगेगा इथरनेट स्विच, ठीक है। तो यहां से एनआईसी से आ जाएगी। देखिए, लैन कार्ड को एनआईसी भी बोलते हैं, एनआईसी। यार कल से ना अपने पास में नोटबुक जरूर लेके रखा करो, जो मैं बोल रहा हूँ काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको इमीडिएट आप नोट कर सकते हो, ठीक है। जिससे लैन कार्ड बोल लीजिए या इसको एनआईसी बोल लीजिए, एनआईसी होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, सबके ऊपर में यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी और यहाँ से केबल आके आ जाएगी कहाँ पर? स्विच के ऊपर में। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ स्विच आप इसको कनेक्ट कर सकते हो मल्टीपल डिवाइसेस को। स्विच शॉर्ट फॉर्म में एस बाई स्लैश लिखा है, अदरवाइज आप लिखते हो स्विच। अभी आगे जाके जब हम ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा स्विच और हब में क्या डिफरेंस होता है, तब की बात हम तब करें, ठीक है। वन सेकेंड, लेट मी सेंड यू। ऑलराइट, तो कभी भी मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो कई स्विच में एक डिवाइस लगता है स्विच। जो जो नॉन टेक्निकल है वो सारे की सारी चीजें आप नोट करते रहिए, ठीक है। तो ये होगा आपका स्विच।
इसी तरीके से गाइस ये आपके जो सैन है, सैन के अंदर में एक स्विच लगता है बीच में आपस में कनेक्ट करने के लिए, मगर ये जो स्विच है वो आपका इथरनेट स्विच नहीं होता, राइट। एक स्विच लगेगा, अभी बात करते हैं इसके बारे में, एक स्विच लगेगा, ये आपका इथरनेट स्विच नहीं होता। इस स्विच को बोलते हैं हम सैन स्विच। ऐसा नहीं है कि मैं स्टोरेज को इथरनेट केबल पे नहीं चला सकता, जो मैंने अभी आपको केबल दिखाई, कई बार इंटरव्यू जान के पूछ लेता है कि कैन आई रन स्टोरेज ऑन इथरनेट, यस वी कैन रन। उसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज होंगे, बट ये देख लीजिए कि जो इथरनेट की जो मैक्सिमम स्पीड होती है आपकी 1 GB की होती है, 1 GB की, 1 GB में जो एक्चुअल थ्रूपुट निकल के आएगा बहुत कम निकलेगा। तो अगर आपने थ्रूपुट चाहिए आपको, तो आपको फाइबर केबल, मतलब अभी आपको बताता हूँ, फाइबर केबल के अंदर में 16 GBPS तक स्पीड निकल के आ सकती है, ठीक है। तो सैन स्विच लगाते हैं, अभी बताता हूँ आपको। तो एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि मुझे सैन स्विच ही यूज करना है, इथरनेट स्विच भी चल सकता है, मगर वहां पे आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, ये बात करेंगे हम डिटेल में बाद में, ठीक है। अभी के लिए बात करते हैं सैन स्विच। तो सैन स्विच कैसा होता है, चलिए ये भी आपको दिखा दूं। पहले सैन स्विच दिखाने से पहले आपको मैं केबल दिखाता हूं। जैसे इथरनेट केबल होती है, ऐसे ही आपकी फाइबर की केबल होती है। फाइबर का नाम सबने सुना होगा, अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ, एक्साइटल का या किसी का भी, तो एक फाइबर केबल बाहर से आती है, ठीक है। तो आपको दिखाता हूं, देखिए LC, तो इस तरीके से आपकी एक फाइबर केबल होती है। कौन सी केबल होती है ये बारे में देखेंगे हम डिटेल में, ये सिंगल मोड है, एक मल्टी मोड होती है, सबके बारे में हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट एनी केबल, ये देखिए केबल, तो अगर मैं ये वाली केबल ले लू, तो जी ये कनेक्टर होते हैं इस केबल के, ये वाले, क्या ये वाले कनेक्टर इस स्विच में लग सकते हैं? नहीं लग सकते, राइट। ये पे, यहाँ पर तो सिर्फ इथरनेट केबल ही लगेगी। तो ये मेरी फाइबर केबल होती है, फाइबर केबल के अंदर में डेटा आपका जाता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट जाने के लिए ही इसकी जो स्पीड है दैट कैन रीच 16 GBPS, पूरी डिटेल में बात करेंगे इसकी, अभी हम कुछ बात नहीं कर रहे, सिंपल बात कर रहे हैं कि ये केबल लगानी है मुझे, तो भाई मैं केबल कैसे लगाऊंगा, क्योंकि इथरनेट स्विच तो ये वाला होता है, लगेगा ही नहीं। तो यहां पर होता है मेरा सैन स्विच। सो लेट मी टेल यू द सैन स्विच। कोई सिंपल स्विच दिखा देता हूं आपको मैं, विल टॉक इन डिटेल लेटर, जब स्विच का पूरा चैप्टर है आपका, पूरे 5-6 क्लासेस हैं सिर्फ इस स्विच को समझने के लिए, क्योंकि स्विच ऐसे ही नहीं है, इस स्विच के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होती है पूरी, ठीक है। तो आप ये देखोगे ऐसा होता है जी आपका सैन स्विच, ठीक है। सैन स्विच के ऊपर में देखिए, ये खाली स्लॉट है और एक कुछ कनेक्टर लगा हुआ है, ये कौन सा कनेक्टर होता है, लेट मी शो यू। देखिए ये वाला कनेक्टर लगा हुआ है आपका, कहां पर, ये स्विच में यहां पे लगा हुआ, ये देखिए यहां पे ये कनेक्टर लगे हुए हैं, ऊपर लीवर होता है खींच के, जब मैं आपको दिखाऊंगा तो देख लेना, ये कनेक्टर यहाँ पे कनेक्टर नहीं लगे हुए, इसीलिए खाली स्लॉट दिखा रहा है, जहां पे कनेक्टर लगे होंगे आपके वो भरा हुआ है, कनेक्टर कौन सा होगा, ऐसा, और इस कनेक्टर को बोलते हैं हम SFP मॉड्यूल, अभी लिखवाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो देखिए ये जो उसका जो मॉड्यूल बना हुआ है, इसके अंदर में ये फाइबर केबल लग जाती है, देखिए ये वाली केबल बड़े आराम से लग जाएगी, क्योंकि बनी इसके लिए ये वाली केबल, कहां पे लगेगी, इस मॉड्यूल में, और ये मॉड्यूल कहां लगेगा, स्विच के ऊपर में, राइट। तो इस मॉड्यूल को बोलते हैं SFP मॉड्यूल, स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल। तो मैं आपको दिखा रहा हूं सैन स्विच के ऊपर में, ये आपको सैन स्विच का जो स्लॉट्स है, एम्प्टी स्लॉट्स है, और एम्प्टी स्लॉट्स मतलब इसके लिए स्लॉट्स बने हुए हैं यहाँ पे, देखिए इस तरीके से। अब इन स्लॉट के ऊपर में जो मॉड्यूल लगा हुआ है उसे बोलते हैं SFP। तो मान लीजिए ये SFP है, राइट, SFP फुल फॉर्म होती है आपकी स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल। कई बार इसको स्मॉल फॉर्म पॉइंटर भी बोलते हैं, बट राइट आंसर इज स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल।
ठीक है जी। चलिए अब मैं क्या करूंगा, केबल ली फाइबर वाली केबल, हमें पता है यहाँ पे लग जाएगी, यहाँ पे लगा दी केबल, और मैंने यहां से भी केबल ली और लगा दी केबल, और ऐसे मैंने यहां से केबल ली लगा दी केबल, बट सर्वर के ऊपर भी तो मुझे ये वाला मॉड्यूल चाहिए ना, बिना मॉड्यूल के तो केबल लगेगी ही नहीं। देखिए ये केबल अगर आपने स्विच पे लगाने के लिए ये मॉड्यूल लगाया, एसएफपी मॉड्यूल लगाया, तो सर्वर पे तो केबल लगेगी नहीं, ऐसे सर्वर पे तो लैन कार्ड होता है, और लैन कार्ड में हमने अभी देखा है मतलब इथरनेट कार्ड पे तो लगेगी नहीं है। तो गाइस ये एसएफपी को सर्वर पे बनाने के लिए, मतलब ये देखिए एसएफपी मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल मुझे सर्वर पे भी चाहिए, ये देखिए यहाँ पे स्विच पे लगा हुआ है तो सर्वर पे भी चाहिए। तो एक कार्ड आता है जिस कार्ड को हम सर्वर पे लगाते हैं, तो उस कार्ड से आपको एसएफपी मॉड्यूल मिल जाता है सर्वर पे, और उस कार्ड को बोलते हैं हम आपको एचबीए कार्ड। देखिए इमेजेस करेंगे आपको, तो ये है आपके कार्ड, देखिए सर्वर पे अगर आपको कार्ड नहीं है तो आप केबल को नहीं लगा सकते हो, राइट। तो इस पे भी देखिए क्या किया हमने, एक्चुअली में वी हैव अरेंज ओनली वन एसएफपी, देखिए सिंगल पोर्ट का भी कार्ड आता है आपका, मल्टीपल पोर्ट का भी कार्ड आता है ये वाला। तो सर्वर पे अगर आपको केबल लगानी है तो आपको ऐसा कार्ड खरीद के लगाना पड़ेगा, वेरी वेरी कॉस्टली कार्ड। हाँ जी बोलिए। एनआईसी कार्ड ही होता है ना एक तरीके से? नहीं, ये एनआईसी अलग होता है, अभी आपको दिखाया ना एनआईसी पे तो आपका इथरनेट केबल लगती है। एनआईसी का मतलब होता है नेटवर्क, नेटवर्क कार्ड। हाँ एनआईसी होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इंटरफेस कार्ड। ये जो एसएफपी कार्ड है आपने जो बताया, ये भी तो एक तरीके से नेटवर्क की तो चलाएगा ना सर? बिल्कुल, मगर उसको नेटवर्क नहीं बोलते हैं, उसको फैब्रिक बोलते हैं, अभी देखेंगे इसके बारे में। ये देखिए जो आपका नॉर्मल इथरनेट, ये होता है लैंड कार्ड आपका, चाहे लैंड कार्ड को आप एनआईसी कार्ड बोल लीजिए, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, बट दिस कार्ड इज एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, इस पे आपको ये जो मॉड्यूल मिल रहे हैं, इस मॉड्यूल को लगाने के लिए आप इस कार्ड को लगा रहे हो। ठीक है, इट्स वेरी वेरी कॉस्टली, स्टार्टिंग फ्रॉम 20,000 टू 80,000 तक का कार्ड आता है आपका, बहुत कॉस्टली है ये। ठीक है, अब हर सर्वर पे ये जहां पे आपको ये कार्ड लगाना, केबल लगानी है, तो वहां पे आपको ये भी जरूर चाहिए एचबीए कार्ड। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे भी एक एचबीए कार्ड लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने एक एचबीए कार्ड लगा दिया, और यहाँ पे भी एक एचबीए कार्ड। ठीक है जी, अब एचबीए कार्ड में वही लगे हुए, आपको एसएफपी बताया था, ये हमारे यहाँ पे एसएफपी होगा, यहाँ पर भी आपका एसएफपी होगा, और यहाँ पर भी एसएफपी होगा। अब देखिए ये तो आपस में कनेक्ट हो गए, अब मुझे स्टोरेज को भी कनेक्ट करना है। गाइस हु नॉट टॉकिंग प्लीज बोल मी। ठीक है, अब देखिए ये वाली केबल को मुझे सैन स्टोरेज से भी तो कनेक्ट करना है। तो देखिए अभी जो मैंने आपको दिखाया था बॉक्स, ये देखिए स्टोरेज के ऊपर में भी ये बने बनाए आपके दो एसएफपी लगे होते हैं। देखिए एसएफपी लगा हुआ है, एसएफपी 1 और एसएफपी 2। देखिए ये लगे ना कि एसएफपी, मैं ऊपर से दिखाना तो आपको प्रोसेसर भी दिखा देता हूं। देखिए यार प्लीज गो ऑन म्यूट, यार डोंट डिस्टर्ब द क्लास। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए ऐसे अगर मैं इसके प्रोसेसर को बाहर निकाल लूं, जो प्रोसेसर मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये वाला प्रोसेसर, ये रहा देखिए, मैं इसको अंदर से दिखाता हूँ आपको कैसा होता है। ये तो मुझे दिखा दिया एसएफपी यहाँ पे लगा हुआ है, राइट, मगर मैं आपको प्रोसेसर भी दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए ये प्रोसेसर होता है आपका, जब आप खराब हो जाएगा तो प्रोसेसर को बाहर निकालोगे तो ऐसा प्रोसेसर होता है जी आपका। ये देखिए ये लगे, देखिए एसएफपी 2, टॉप से दिखाना है तो टॉप से भी कहीं दिखा रखा होगा इसने, बट इस पे भी हर प्रोसेसर पे दोनों एसएफपी लगे होंगे। दो किस लिए लगे होते हैं, अगेन हाई अवेलेबिलिटी के लिए, अगर आपका एक खराब हो जाए ये वाला तो दूसरे वाले पे आप लगा सकते हो। तो हर जगह पे दो दो यूज करते हैं, याद रखिएगा, कभी भी हमारा ऐसा डेटा सेंटर में नहीं होता कि सब कुछ डाउन हो गया। ठीक है, बड़े रेयर चांसेस में होता है, ऐसा नहीं आप हम वी कैन नॉट कंट्रोल कंप्लीट फेलियर, बट होता है, राइट। तो इसी तरीके से
मेरे पास जो एसएफपी हैं ये आपके स्टोरेज में भी लगे होते हैं, ठीक है। तो एक केबल मैं यहां से लेके जाऊंगा और यहां से आके मैंने कनेक्ट कर दिया कहां पर, ये आपके प्रोसेसर हो गया जी पूरी कनेक्टिविटी, ठीक है आपने देख लिया। तो इस बॉक्स को बोलते हैं स्टोरेज। और देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज और बताई थी इथरनेट वाला, जो मैंने बताया था आपको देखिए स्विच के बारे में, ये स्विच बताया था मैंने। क्यों लैन कार्ड बोलते हैं इसको, क्योंकि जो स्विच और केबलिंग जो बीच वाला पोर्शन होता है इसे बोलते हैं लैन। जब भी आपके सर्वर कनेक्टेड होते हैं आपस के अंदर में तो केबल और स्विच जो बीच का पोर्शन होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिससे सर्वर कनेक्टेड होंगे, इन सबको हम बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। दिस पार्ट इज कॉल्ड लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसी तरीके से जब मैंने यहां पे स्विच भी कनेक्ट किया तो इसको भी कुछ बोलेंगे, मगर फाइबर में इसको लैन नहीं बोलते हैं। ये स्विच और केबलिंग जो ये बीच का पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं जी फैब्रिक। तो व्हाट डू मीन बाय फैब्रिक, फैब्रिक मतलब सैंड स्विचेस एंड द केबलिंग पार्ट इन द स्टोरेज इज कॉल्ड योर फैब्रिक। याद रखना, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि कौन सा फैब्रिक यूज कर रहे हो, एक्चुअली में इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है कौन सा स्विच यूज कर रहे हो, ये जब आएगा इंटरव्यू में तब बात करेंगे, ठीक है। ऐसे सैंड स्विचेस के भी बड़ी सारी कंपनी है, सिस्को आती है, ब्रोकेड आता है, ठीक है। तो ये देखिए सैंड स्विच, ठीक है, फैब्रिक है। तो इस स्विच को कई बार हम फैब्रिक स्विच भी बोलते हैं। तो चाहे इसको सैंड स्विच बोल लीजिए, चाहे इसको फैब्रिक स्विच बोल लीजिए या इसको फाइबर स्विच बोल लीजिए, एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि इस बीच वाले पोर्शन को हम फैब्रिक बोलते हैं, तो जो स्विच कनेक्ट करेगा फैब्रिक को उसे हम फैब्रिक स्विच बोलेंगे, ठीक है। तो ये बीच वाला स्विच हो गया आपका फैब्रिक। और ये जो सर्वर कनेक्टेड होंगे आपके स्टोरेज के साथ में, इनको हम सबको बोलते हैं होस्ट। होस्ट, लेट्स से दिस इज होस्ट वन, दिस इज होस्ट टू, दिस इज होस्ट थ्री, ठीक है। तो जी सैन क्या हो गया, अब सैन के बारे में बात करते हैं। अब हमने देख लिया बहुत सारे बच्चे इसको सैन बोलते हैं बॉक्स को, दिस इज नॉट सैन, दिस इज स्टोरेज बॉक्स। सैन होता है आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जो कि आपके स्टोरेज को कनेक्ट करता है होस्ट के साथ में, इसको बोलते हैं जी स्टोरेज एरिया नेटवर्क। डेफिनेशन बाद में लिखवा दूंगा मैं आपको। तो व्हाट इज स्टोरेज एरिया नेटवर्क, व्हाट इज सैन, सो सैन इज द स्टोरेज एरिया नेटवर्क व्हिच कंटेन्स व्हाट, स्टोरेज बॉक्स, फैब्रिक एंड द होस्ट। तीन चीजें आपकी स्टोरेज के अंदर होंगी, आपकी सैन के अंदर में। तो सैन, सैन इज द स्टोरेज एरिया नेटवर्क विच कंटेन्स स्टोरेज बॉक्स कॉमा फैब्रिक एंड द होस्ट। ये तीन चीजों से मिलके आपका पूरा सैन बनता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो ये तो हो गई आपकी कनेक्टिविटी की बात। काम क्या करता है, कैसे करता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। एनी क्वेश्चन सो फार गाइज, एनी वन? सर ये सैन स्विच एंड नॉर्मल स्विच में डिफरेंट क्या है? अभी दिखाया आपको अपने क्लास में, नहीं वो तो सर हमने डाटा के लिए यूज करते हैं, क्या हम इससे फैब्रिक पे नेटवर्क भी चला सकते हैं जो हमने अभी यूज कर रहे हैं सैन को? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सैन को आप इथरनेट पे भी चला सकते हो, पर इथरनेट की स्पीड कितनी होती है? ईथरनेट की तो 1 Mbps होती है, 1 GB हो गई। फाइबर की कितनी होती है? 16 होती है, 16 GB होती है। कितना हो गया, 16 टाइम ज्यादा हो गए, तो कौन सा यूज करोगे? ये 16 GB तो हो रहे हैं सर, हम इसे डाटा ट्रांसफर के लिए यूज कर रहे हैं कि डाटा यूजेस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे इंटरनेट के लिए यूज कर रहे हैं, ये इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर रहे हैं? अभी तो हम इंटरनेट पे गए नहीं, फॉरगेट अबाउट इंटरनेट। नहीं नहीं, मैं वही पूछना चाहता हूँ सर कि क्या हम सैन स्विच को इंटरनेट के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल करते हैं लोग आपके पास में। तभी मैंने भी एग्जांपल दिया आपको कि अगर आपके घर में एक्साइटर लगा हुआ है किसी घर में, तो दे आर सेंडिंग एक्चुअल फाइबर केबल टू योर होम। ओके, अब जब फाइबर केबल होगी तो किसी स्विच में तो लगेंगी। हाँ सर, और जो स्विच होगा वो फाइबर स्विच होगा। ओके सर,
ओके सर। और चलिए तो अब बात करते हैं काम की फंक्शन की कि क्या चीज है ये, ताकि आपको पता चलेगा ये काम क्या करता है। ठीक है जी, अभी तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया, सब कुछ हो गया, ये आपने देख लिया। अब बात करते हैं, लेट्स से एक सर्वर के ऊपर बात करते हैं। आपके सर्वर पे जितनी भी ड्राइव्स लगी होती हैं, जो भी आपकी फिजिकल हार्ड ड्राइव लगी होती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा उन ड्राइव को बोलते हैं लोकल ड्राइव। ये देखिए लोकल ड्राइव आ रहा है आपका, ये देखिए लोकल ड्राइव आ रहा है। तो जितनी भी ड्राइव्स आपकी फिजिकल ड्राइव लगी होती हैं आपके पीसी को, वो सारी की सारी ड्राइव्स को हम बोलते हैं लोकल ड्राइव। ठीक है, तो लेट्स से ये जो विंडोज वाला सर्वर है, इसके पास मेरी एक ड्राइव लगी हुई है सी ड्राइव और एक ड्राइव लगी हुई है मेरी डी ड्राइव। अभी जो विंडो का जो एडमिन है, जो ये बंदा है, इसको विंडोज पर डेटा रखना है और ये डेटा रखने के लिए बोल रहा है कि मुझे डिस्क चाहिए 500 GB। अब नॉर्मल आईटी में क्या होता है, अगर आपको कोई भी हार्डवेयर खरीदना है तो आप पहले रिक्वेस्ट रेज करोगे, रिक्वेस्ट जाएगी एडमिन के पास, एडमिन से एडमिन भेजेगा वेंडर को कोटेशन के लिए, कोटेशन वापस आएगी फाइनेंस के पास, फाइनेंस अप्रूव करेगा, फिर फाइनेंस पीओ रेज करेगा, पीओ वेंडर के पास जाएगा, वेंडर डिस्पैच करेगा, आपके डेटा सेंटर में आएगी, सर्वर को खोलोगे, डिस्क लगाओगे। ये इतने इतने स्टेप्स के लिए मिनिमम से मिनिमम 3 महीने का टाइम लगता है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एचसीएल आल्सो। ठीक है, जितनी बड़ी कंपनी बड़ी हो, जहां पर भी फाइनेंस इन्वॉल्व होता है वहां पर आपका ये सारा टाइम तो लगता ही। ठीक है, तो इस बंदे को चाहिए, विंडोज वाले को, 500 GB की एक हार्ड ड्राइव। ठीक है, अब कैसे करेंगे अभी देखते हैं। तो किसी भी स्टोरेज में गाइस, हमारा पहला काम क्या होता है, हमने देख तो लिया क्या चीज आई है। किसी भी स्टोरेज में पहला काम क्या होता है मेरा, मैं कुछ हार्ड डिस्क को लेता हूं, इसमें से जैसे हार्ड डिस्क एक ले ली, दो ले ली, तीन ले ली, कुछ हार्ड डिस्क को लेता हूं और लेने के बाद इनको मैं कंबाइन करता हूं, लॉजिकल ग्रुपिंग करता हूं। क्यों करता हूं, जिसको रेड पता है, अभी रेड समझिए, रेड लगा रहा हूं मैं, मगर रेड के ऊपर पूरा टॉपिक आएगा गाइस, जिसको नहीं पता बता देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि बाद में पूरा टॉपिक आएगा। रेड एक टेक्नोलॉजी होती है। अगर आपने लेट्स से 3 ड्राइव ली और तीनों ड्राइव के ऊपर में आपने इस टेक्नोलॉजी को लगा दिया रेड को, तो अगर किसी वजह से इन तीनों में से आपकी एक हार्ड ड्राइव फेल हो जाए, सिंपली इसको निकाल के बाहर फेंक दो, नई हार्ड ड्राइव लगा दो, विद द हेल्प ऑफ रिमेनिंग हार्ड ड्राइव, जो बची हुई हार्ड ड्राइव है उनसे मिलकर आपका डेटा इमीडिएटली रिकवर होना शुरू हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी होती है आपकी रेड की, इसका पूरा चैप्टर आएगा नेक्स्ट सैटरडे को, रेड, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। सबसे पहला क्वेश्चन ही स्टोरेज में रेड का ही होता है, कौन सी रेड लगाओगे, कैसे बचाओगे, क्योंकि सारा गेम यहाँ पे डेटा की ही है। चलिए, सो मैंने क्या किया, 3 डिस्क को कंबाइन किया और कंबाइन करके मैंने इसको ग्रुप बना लिया। तो ग्रुप कितने का बन गया आपका, 3 TB का। इस 3 TB के मैं एज ए एडमिन जितने भी मर्जी टुकड़े कर सकता हूं, मैं अभी आपको नॉन टेक्निकल भाषा में बता रहा हूं, टुकड़े कर सकता हूं। चाहे तो मैं 1-1 TB के 3 टुकड़े कर लूं, या 500-500 के मैं 6 कर लूं, या मैं 100-100 के 30 कर लूं, या मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं एज ए एडमिन कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, तो क्या किया मैंने, देखिए किसी भी स्टोरेज के अंदर में पहला काम आपको यही करना पड़ता है, मैं आपको कंपैरिजन भी करके दिखा देता हूं। अगर ये ग्रुप मैंने ईएमसी में बनाया होता तो इसी ग्रुप को ईएमसी में बोलते हैं रेड ग्रुप। अब देखिए, चाहे वो आपका एचपी हो, चाहे वो कोई भी हो, ग्रुप तो बनाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये पहला काम है किसी भी स्टोरेज का। तो अगर ये एचपी होता तो ग्रुप तो बनेगा, बस नाम चेंज हो जाता, क्या होता, डिस्क ग्रुप। ठीक है, अगर ये नेटऐप होता तो एग्रीगेट बोलते हैं। तो सिंपल देख लीजिए, फंडा सब में सेम है, ओनली द नोमेनक्लेचर नाम डिफरेंस है, इसीलिए बता रहा हूं। एक स्टोरेज पे काम कर रहे हो, किसी भी स्टोरेज पे काम कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब ये जो टुकड़े मैंने काटे हैं, ये जो छोटे छोटे टुकड़े मैंने बनाए हैं, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में, टेक्निकल भाषा में इसको बोलते हैं लंग्स। लॉजिकल यूनिट नंबर, सारी गेम ही इसी की है, लॉजिकल यूनिट नंबर।
ठीक है जी। तो जब ये सारे सर्वर आपके स्टोरेज के साथ में कनेक्टेड होंगे वाया फैब्रिक, तो क्या होगा, ये सारे सर्वर आपको यहाँ पे दिखेंगे स्टोरेज पे, विंडोज भी दिखेगा, यूनिट्स भी दिखेगा, लेट्स से विंडोज, यूनिक्स भी दिखेगा और डीबी भी दिखेगा, क्योंकि कनेक्टेड है आपस में। जब आप स्टोरेज केंद्र में लॉग इन करोगे तो आपको ये सारे सर्वर दिखाई देंगे वहां पे। अभी कैसे करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाद में देखेंगे। तो अभी बड़ी सिंपल सी बात कि ये विंडोज वाले ने बोला 500 जीबी की एक डिस्क चाहिए और ये विंडोज सर्वर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं इसके ऊपर में, स्टोरेज के ऊपर में गाइस एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं लर्न मैपिंग, लर्न मैपिंग। क्या करते हैं लर्न मैपिंग के अंदर में, जिस सर्वर को आपको लर्न असाइन करना है, लेट्स से ये विंडो सर्वर है, ये यहाँ पे आ गया, बीच में ले आए इसके ग्रुप के अंदर में, ये सिंपल एक टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट मतलब मैप करने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है। और यहां से मैंने 500 जीबी का, क्योंकि 500 जीबी चाहिए था उसको, 500 जीबी लर्न को भी मैंने यहाँ पे इस चार्ट में मैप कर दिया 500 को। तो मैंने सिंपल क्या किया है, विंडो सर्वर को और 500 जीबी के लन को, दोनों को मैप कर दिया। गाइस जैसे ही मैप करते हैं, ये 500 जीबी का जो आपने लन असाइन करा है, ये इमीडिएटली विद इन फ्यू सेकंड इस सर्वर के ऊपर में एक डिस्क दिखना शुरू हो जाएगा 500 जीबी। और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट स्टोरेज का ये होता है कि आपने जब भी लन असाइन करा, दिस लन विल बी एक्टिंग एज ए लोकल ड्राइव टू द सर्वर। जैसे मैंने अभी सी ड्राइव दिखाया आपको लोकल है, तो ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट यह है कि जो 500 जीबी है ये सर्वर के लिए लोकल ड्राइव रहेगी। मतलब जो भी फंक्शन आप सी ड्राइव पे कर सकते हो, जो भी फंक्शन आप डी ड्राइव पे कर सकते हो, दोस ऑल फंक्शन कैन बी परफॉर्म ऑन दिस ड्राइव ऑल्सो। सो व्हेन यू फॉर्मेट इट, इट विल बिकम ई ड्राइव और कोई भी ड्राइव आप बना सकते हो। तो याद रखिएगा, पूरे डेटा सेंटर के अंदर इसी तरीके से सारी डिस्क कहां से जाती हैं, स्टोरेज से जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टोरेज इज अ सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। जितना डेटा हर सर्वर के ऊपर में आप डालोगे, सारा का सारा एक्चुअली स्टोरेज पे जाएगा। और दैट इज अ रीजन हम इसे हार्ट ऑफ डेटा सेंटर भी बोलते हैं। सारा, अगर आपका किसी वजह से ये सर्वर को जल जाए, आग लग जाए, इसको निकाल के फेंक दो। लर्न तो यहाँ पड़ा हुआ है 500 वाला, इसके ऊपर में सारा डेटा पड़ा हुआ है, बाद में नए सर्वर को साइन करता, फिर से डेटा पूरा वापस आ गया आपका, ठीक है जी। तो जितने भी आपके डेटा सेंटर के अंदर में सर्वर हैं, 1000-2000 जितने भी सर्वर हैं, उन सारे सर्वर को जो हार्ड डिस्क जाती है वो आपकी स्टोरेज से जाती है, सैम से जाती है, ठीक है। और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट यही है कि जब आप लर्न असाइन करते हो, इट इज एक्टिंग एज ए लोकल ड्राइव। कोई तरीका नहीं है सर्वर ये आइडेंटिफाई कर सके। मैं ऐसे एडमिन तो आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि कौन सी फिजिकल ड्राइव है, कौन सी स्टोरेज से आ रही है, मगर कोई स्टोरेज ये सर्वर आपको कभी भी समझ नहीं पाएगा कि लर्न कहां से आ रहा है और ये लोकल ड्राइव है या कहीं बाहर से आ रही है। तो आप देखो, अगर सिंपल आपको बात करूं, आपने पेन ड्राइव लगाई अपने कंप्यूटर के अंदर में और पेन ड्राइव पे आपने क्या किया, आपने अपने कंप्यूटर पे पेन ड्राइव लगाई। पेन ड्राइव पे अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या कुछ भी इंस्टॉल करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, वो नहीं होगा। बड़े सारे प्रोग्राम या बड़े सारे फंक्शन ऐसे हैं जो कि सिर्फ लोकल ड्राइव पे ही हो सकते हैं, ठीक है। और वो फंक्शन आप इस लंच पे भी कर सकते हो, इसीलिए ये लोकल ड्राइव की तरह काम करता है। और सारे डेटा सेंटर के अंदर में लंच आपके सेंट्रलाइज सर्वर स्टोरेज से आते हैं। तो स्टोरेज एडमिन का काम ये होता है पूरे इसको मैनेज करना, पूरे को असाइन करना, सारा काम ये स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। चलिए, आप इसको 500 जीबी आपने, अच्छा इसको लर्न मैपिंग भी बोलते हैं या इसको स्टोरेज प्रोविजनिंग भी बोलते हैं, लिख देता हूँ नाम इसके आपके, इसको लर्न मैपिंग बोल लीजिए या इसको लर्न एलोकेशन बोल लीजिए या आप इसको स्टोरेज प्रोविजनिंग बोल लीजिए। स्टोरेज ये डिटेल में आएगा, डोंट वरी, आज तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको क्या चीज कैसे कनेक्टिविटी होती है। अब धीरे धीरे करके सारी चीजें डिटेल्स में आएंगी एक एक करके। स्टोरेज प्रोविजनिंग, ठीक है जी, स्पेस एलोकेशन, स्टोरेज प्रोविजन, लर्न एलोकेशन या लर्न प्रोविजनिंग, सब एक ही चीज है,
simply assigning the LAN to the server is called storage provisioning. ठीक है, अब थोड़े दिन बाद ये 500 GB वाला बंदा कह रहा जी मेरे को तो 200 GB और हार्ड ड्राइव चाहिए. अगर आपने ये बाजार से हार्ड डिस्क खरीद के लगाई होती फिजिकल वाली तो आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हो. आप मर्ज कर सकते हो किसी हार्ड ड्राइव सॉफ्टवेयर के थ्रू, मगर आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते. मगर स्टोरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपको ऐसा कुछ रिक्वेस्ट आए आपकी तो इस 500 GB वाले लन पे जाइए स्टोरेज पे और इसको 700 GB कर दीजिए यहाँ से. तो जैसे ही आप इसको यहाँ से एक्सपेंड करोगे इमिडिएटली यहाँ पर आपकी जो डिस्क है 500 की जगह 700 नजर आनी शुरू हो जाएगी और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लन एक्सपेंड. ठीक है जी, तो इस तरीके से अब ये सारी चीजें हम सारी डिटेल में करेंगे. कोई क्वेश्चन किसी को सैंड के ऊपर में सुनना समझ में आया क्या है, स्टोरेज बॉक्स क्या होता है, सैंड स्विचेस क्या होते हैं, फाइबर केबल क्या होती है, एचपी कार्ड क्या होता है और आपका एसएसपी क्या होता है, वो फुली सबको समझ में आ गया होगा. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. कल फर्स्ट का जो पहला 15 मिनट है वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दी क्वेश्चंस जो भी आपके होंगे, बट मेक श्योर जो आपको अपनी नोटबुक बना लीजिए और नोटबुक पे करना स्टार्ट कर दीजिए. दैट नोटबुक विल बी योर बाइबल. एवरी इंटरव्यू विल फेस इन द फ्यूचर एवरीथिंग विल बी कमिंग फ्रॉम योर नोटबुक. ठीक है, इसका मैं स्नैपशॉट आपको भेज रहा हूँ. एनी क्वेश्चन जो भी है पूछ लीजिए. मैं हाँ जी हाँ जी, अगर ये आपको लर्न विंडोज को साइन करना है तब भी कर सकते हो, यूनिक्स को साइन करना है तब भी कर सकते हो. मतलब डेटा सेंटर के अंदर में जितने भी सर्वर हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इरिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी, सब के सब डेटा आपका जाएगा कहां से, आपका जाएगा स्टोरेज. ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? ठीक है, आई थिंक इतना ही रखते हैं आज के लिए, अदरवाइज ये बहुत हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा आपके लिए. तो कल गाइस हम बात करेंगे हार्ड ड्राइव की. जैसे हार्ड ड्राइव यहाँ पे अब लगी हुई है, अब कौन सी हार्ड ड्राइव हमें लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए. पहली बात तो कितने टाइप की हार्ड ड्राइव होती है दुनिया में, कोई हार्ड ड्राइव फास्ट है कोई स्लो है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी फास्ट है कोई स्लो है. तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आरपीएम होता है, सीक टाइम, बड़ी सारी टाइप चीजें होती है. तो कल की पूरी क्लास आपकी डिस्क के ऊपर में होगी, ताकि आपको सब पता चलेगा दुनिया में कितनी डिस्क है, आईओप्स क्या होते हैं, आईओप्स होते हैं इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, स्पीड क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर में स्पीड डिपेंड करती है, कौन सी हार्ड ड्राइव हमें यूज करनी है, कौन सी हार्ड ड्राइव नहीं यूज करनी, ये सारी चीज डिटेल में हम कल करेंगे. ठीक है जी, एनी लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप फॉर टुडेज क्लास? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बताया सी ड्राइव डी ड्राइव, हाँ जी, किसी भी जो होस्ट होता है वो अपनी उसकी भी अपनी ड्राइव रहेगी और साथ में जो हम अपने ये जो स्टोरेज लगा के देंगे इसका भी अलग से रहेगा. बिल्कुल रहेगा सर, मैं यही कंसेप्ट जितने भी आप मर्जी लगा सकते. जैसे देखो सिंपल ही तो है ना, अगर आपके पास में कोई सर्वर है आपने सी डी लगा रखी है, अगर आपको एक और लगानी तो ई लगा लो बाहर से लाके. हाँ यस सर, ऐसे ही बाहर से ना लाके, अब ये स्टोरेज से आ रही है, फंडामेंटल वुड रिमेन सेम. अच्छा, और LUN ये होता है कि इनको जितनी ये अपनी स्टोरेज की हमारी ये रहती है हार्ड ड्राइव. हाँ जी, स्टोरेज का ग्रुप बना के ग्रुप में से लॉजिकली हम डिवाइड करते हैं, उसे बोलते हैं लंस, लॉजिकल यूनिट नेटवर्क. हाँ जी, नंबर्स. ठीक है सर. सर हाँ जी, ये जो हम विंडो सर्वर में अभी ये 500 GB ई ड्राइव का मैपिंग किया, इस पे हम सारा लोड दे देते हैं, हम विंडो सर्वर को फ्री करके सैन सर्वर पे लोड देते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, वो तो बनाया है इसलिए. तो फिर हम उसे सी क्यों यूज करते हैं ज्यादातर, एक सैन सर्वर पे पूरा सर्वर चलाते हैं, इसे नॉर्मली दिखाते हैं पर्टिकुलर, वो डी ड्राइव और सी ड्राइव हम किस लिए रख रहे हैं वहां पर जब हमें सैन से यूज कर. बिल्कुल रखोगे सी, कुछ तो रखोगे ना, ओएस ना डालोगे. अच्छा, ओएस के लिए यूज करते हैं बस. आप हम ओएस ई ड्राइव में नहीं यूज कर पाएंगे, सिर्फ बिल्कुल हम ओएस भी कर सकते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड रूट फॉर बूट फ्रॉम सैन, ये भी आएगा आपका. तो अगर आपके डेटा सेंटर में आप चाहते हो कि सी ड्राइव डी ड्राइव मत लगाओ, या भी मत लगाओ, हाँ कुछ नहीं लगाए, सिर्फ हम वहीं से ई ड्राइव सीधा सर्वर को ऑन करोगे. जैसे डंप टर्मिनल होते थे, अगर आप लोगों को पुराना याद हो, आपको थिंक पैड होते थे, आपके डंप टर्मिनल्स होते थे, उनमें कोई हार्ड डिस्क नहीं होती. जैसे ही ऑन होता है वो सीधा स्टोरेज पर जाएगा, उसकी डिस्क पड़ी होगी, अपनी डिस्क को फाइंड आउट करेगा,
ओएस को लोड करेगा और बूट हो जाएगा। ओके सर, तो मतलब ये हम सर सारे चीजें डिटेल में आएंगी, बहुत ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत डिटेल में आएंगी चीजें। ओके सर, ये लोकल ड्राइव की होगा ना, ये बिल्कुल लोकल की तरह यार, इसको नोट करके रखना, व्हेनेवर वी असाइन लर्न टू द होस्ट, दिस लर्न विल बी एक्टिंग एज ए लोकल ड्राइव टू द सर्वर। ओके सर, ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? ठीक है, आई थिंक वी आर गुड टू रैप अप फॉर टुडे देन, सी यू टुमारो सेम टाइम यार, प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम, ठीक है, और पूरे एग्जैक्ट कल हम 12 बजे स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर, ओके, थैंक यू सर।